Hello students, let's see question. So question is, in case of C4 pathway, the first step is, पूछा गया कि C4 pathway में सबसे पहले step कौन सा होता है? यहाँ पे CO2 combines with RuBP, CO2 combines with PGA, that is phosphoglycerate, CO2 combines with phosphoenol pyruvate, CO2 combines with glyceraldehyde 3-phosphate. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो C4 pathway की अगर हम बात करें, तो ये जो C4 pathway है, इसमें जो इनिशियल कार्बन फिक्सेशन होता है वो कहाँ पे होता है? मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में. और मीजोफिल सेल में सबसे पहले क्या होगा, ये जो कार्बन फिक्सेशन हो रहा है यहाँ पे इन्वॉल्व कौन सा है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. सो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड और 1 कार्बन ऐड हो रहा है यहाँ पे. ये कैटलाइज कौन कर रहा है? कार्बोक्सिलेशन पैपकेज एंजाइम. फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कह सकते हैं. और बन क्या है? ऑक्सलो एसिटिक एसिड, दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड. तो पूछा गया कि फर्स्ट स्टेप जो है इनमें से कौन सा होता है, तो CO2 कंबाइंस विद फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये वाला करेक्ट होगा. C4 पाथवे में फर्स्ट स्टेप ये होता है, CO2 कंबाइंस विद RuBP, ये तो गलत दिया है. ये अगर हम देखें तो बंडल शीट सेल में होगा, तो वहां पे पहला कार्बन फिक्सेशन यहाँ पे हो रहा है, सेकंड वाला वहां पे होगा C4 पाथवे में. तो अगर हम देखें गलत दिया है, CO2 कंबाइंस विद फॉस्फोग्लिसरेट, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे. CO2 कंबाइंस विद ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट, ये भी गलत दिया है. करेक्ट आंसर उड दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.